हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको यह बताने जा रहे हैं कि ताजमहल के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के अंतर्गत सभी प्रकार के हवाई जहाज़ के उड़ान पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे का कारण है कि ताजमहल नो फ्लाई जोन है। किसी भी देश का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर किसी भी प्रकार के हवाई जहाज़ को उड़ाने की अनुमति नहीं होती है, उसे नो फ्लाइंग जोन या एयर एक्सक्लूजन जोन कहते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि यदि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरता है तो उसकी जो ध्वनि होती है वह बहुत तेज़ होती है, जिससे ताजमहल के चटकने का खतरा रहता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्रों को नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत रखा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इमारतों को भी नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और टावर ऑफ साइलेंस। सुरक्षा की दृष्टि से भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक ताजमहल को भी नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2006 में कानून पारित कर रखा गया है, जिसके तहत ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के अंतर्गत सभी प्रकार के हवाई जहाज के उड़ान पर रोक लगा दी गई है। इसी कारण से ताजमहल के ऊपर कभी कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता है।